नमस्कार, बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। स्वदेशी कोवैक्सीन को अक्टूबर में मिल सकती है WHO की मंजूरी। पिछले 24 घंटे में 23,529 नए मामले आए सामने, इस दौरान 28,718 मरीज हुए ठीक। संघ प्रमुख मोहन भागवत का 4 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरा गुरुवार से। शेयर बाजार लाल निशान पर, सेंसेक्स 136 अंक टूटकर खुला। बुधवार को जिले में नहीं मिला कोई भी पॉजिटिव, 18 महीने बाद कोरोना से मिली राहत। रंजिश के चलते 3 भाइयों से मारपीट, ओल्ड कांटी थाना अंतर्गत का मामला। एक से राज्य भर के निवासी डॉक्टर हड़ताल पर, शैक्षणिक शुल्क माफी के वादे से पलटी सरकार। युवती से छेड़खानी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, बजाज नगर पुलिस थाना अंतर्गत का मामला। स्मार्ट सिटी में मनाएगी आजादी का अमृत महोत्सव, CEO भुवनेश्वरी S ने दी जानकारी। होटल रेस्टोरेंट और दुकानों के लिए FSSAI अनिवार्य, इनवांस रसीद पर लिखना होगा लाइसेंस नंबर। BCN न्यूज के टॉप 10 में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार।